जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। दोस्तों इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती को लेकर एक नया अपडेट लाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पोस्ट का नाम है वो क्या है, कितनी पोस्टें हैं, किस ज़िले के लिए हिमाचल प्रदेश की कितनी सीटें हैं और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी भर्ती निकली है उस भर्ती के पोस्ट का नाम है पटवारी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी खुली है और इसके जो कुल पद है वो 874 है और 874 जो आपके पद है उसको दो इसमें डिवाइड करा हुआ है। तो दोस्तों पहले इसमें आपका मोहाल पटवारी होगा और दूसरे इसमें आपका सेटलमेंट पटवारी होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे कुल पद है 874 है, तो वहाँ पे जो मोहाल पटवारी के है वो 697 पद है और सेटलमेंट पटवारी के लिए 170 पद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की जो पटवारी की पोस्टें निकली है वो कुल पोस्टें 874 है और इसको हमने दो इसमें कैटेगराइज किया। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले हैं उसमें किस ज़िले में कितनी सीटें हैं इसका हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो ये पटवारी की भर्ती निकली है 2023 से 24 के लिए, इसमें आवेदन 15 दिसंबर से है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले हैं वहाँ पर किस ज़िले के लिए कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों बिलासपुर की बात करते हैं, तो बिलासपुर के लिए 39 पोस्ट दी गई है। उसके बाद चंबा 90, हमीरपुर 71, कांगड़ा 80, किन्नौर 25, कुल्लू 62, मंडी 172, शिमला 45, सोलन 7, ऊना 53, सिरमौर 52 और दोस्तों लाहौल स्पीति के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं दी गई है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हमने सभी बातें डिस्कस की कि कुल पद कितने हैं और हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लिए कितनी सीटें दी गई है। तो दोस्तों यदि आप भी पटवारी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, क्योंकि जल्द ही पटवारी के लिए नया बैच शुरू होने वाला है। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल करें और भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपने प्राप्त करनी है तो आप उससे कर सकते हैं। धन्यवाद।